उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी नुमाइंदों को सख्ती से भ्रष्टाचार न करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमीरपुर जनपद में पुलिस विभाग से सामने आया है। यहां एक दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये मामला जलालपुर थाना के बरहरा गांव का है, जहां एसआई हरिचंद ने एक मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी के भाई से नाम हटाने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम के उच्च अधिकारियों से लखनऊ जाकर की और लिखित प्रार्थना पत्र देकर एसआई हरिश्चंद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एंटी करप्शन टीम ने तत्काल 11 सदस्य टीम बनाकर जिला हमीरपुर भेजा, जहां पर जलालपुर थाने में तैनात एसआई हरिश्चंद को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। मामला ये था कि मेरे भाई के ऊपर मुकदमा जो लिखा गया था उसकी विवेचना हरिश्चंद एसआई जलालपुर के कर रहे थे, तो इनसे मैंने बात की तो ये बोले कि आप पैसा दे आइए तो धाराएं कम कर देंगे। और तो मैंने कहा ठीक है सर। कितने हजार पैसे की डिमांड? 50,000 रुपये कह रहे थे मान लो, तो मैं 8,000 रुपये एक दिन दे आया। इसके बाद फिर इन्होंने लगातार मुझे फ़ोन किया, तो मैं फिर लखनऊ चला गया। मान लो लखनऊ में जाके मैंने पुलिस मुख्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई, पुलिस उप महानिरीक्षक जी के यहाँ। उन्होंने एंटी करप्शन की टीम गठित की और आज एंटी करप्शन की टीम आई और जलालपुर थाने के बाहर रंगे हाथों 10,000 रुपये ले रही थी, पकड़ा गया। तो स्वर्गीय श्री भगत सिंह लोध रहने वाले बरहा के हैं, थाना जलालपुर हमीरपुर के। इनके भाई के खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था थाना जलालपुर में, मुकदमा अपराध संख्या 63/2022। उसमें उसको वांछित बनाया गया था और उस अपने भाई के जब गिरफ्तारी की बात हो रही थी तो इन्होंने जो है पैसे की डिमांड कर दी कि तुम्हारे भाई को मैं निकाल दूंगा। शिकायत करता इसकी शिकायत जो है एंटी करप्शन को उन्होंने दिया, प्रार्थना पत्र की पहले जांच हुई, जांच होने के उपरांत सही पाए जाने पर आज जो है टीम पूरी आई और ये लखनऊ की टीम है, टीएफ इकाई है, और इनको जो है वहीं जलालपुर कस्बे में चाय की दुकान है उसके पास से है इनको 10,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया। कितने पैसों की मांग की? 10,000 रुपये पर डिमांड तो इनकी ज़्यादा थी 50,000 रुपये, लेकिन आज 10,000 रुपये देते हुए पकड़े गए। पीड़ित रजनीश ने बताया कि उसने लगातार उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी, लेकिन शिकायत करने के बाद भी किसी अधिकारी ने उसकी बात का संज्ञान नहीं लिया था, जिसके बाद उसने एंटी करप्शन को इसकी शिकायत की थी। एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वतखोर दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।